चलो चलो, देखिए बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैं पूरी कायदे से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, शायद ऐसी शायद डिस्कशन ना हो पावे स्कूल में, शायद, मुझे नहीं मालूम। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज ए पोलर वेक्टर्स। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं ना, तो आपको मालूम रहता है कि यहाँ पर आपने ऐसे फोर्स लगाया है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, यही लगाया। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे पोलर वेक्टर्स, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो अपने। क्यों आदित? ठीक। दूसरे ऐसे भी वेक्टर्स होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम नहीं होता, जैसे एक्सियल वेक्टर्स जो रोटेटरी इफेक्ट देते हैं। रोटेटरी इफेक्ट, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। रोटेशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे, तो आर क्रॉस एफ ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं। तो पता लगा आर तो हो जाता है ये डिस्टेंस, ये एफ हो जाता है इस पर लगने वाला फोर्स टेंजेंशियली, और टॉर्क किधर आता है? ऊपर, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो ये एक्सियल डायरेक्शन में टॉर्क आता है, चीज़ें घूम रही हैं ऐसे और टॉर्क है ऊपर, तो थोड़ा समझने में मुश्किल आती है कैसा टॉर्क है यार, लेकिन वो अपनी स्टडीज में बैठता है, इसलिए बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। हमने ऐसा बनाया फॉर्मेट, हर वेक्टर वही होगा जहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए बातें यही खोल दी गई हैं कि वेक्टर के डायरेक्शन कुछ और भी हो सकता है, जो उन्होंने अपनी स्टडी का तरीका बनाया। तो रोटेटरी इफेक्ट में जो वेक्टर्स राइट हैंड स्क्रू रूल, बाकी डिटेल में ही बताएंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, पेंच पेंच घुमाइए, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़े वो डायरेक्शन हो गया एक्सिस का, और जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे बढ़ती चीज, पेचकस, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखिए पेचकस, ऐसे घुमा रहे तो आगे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज है ना, ऐसे देखो। बाकी इससे सरल तरीका भी वेक्टर में भी आप देखेंगे जब हम राइट हैंड पाम रूल या वेक्टर वाला पढ़ेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो बड़ा सुंदर तरीके से सब कुछ निकल जाता है उससे। वो बात के एडवांसमेंट है, ये पहले के एडवांसमेंट है। साइंटिस्ट लोग जब काम कर रहे थे तो वो चीज़ नहीं खुजी थी, तो उन्होंने सरल तरीके बताए, पेच का सर जगह मिलता है, मिलता है कहने का मतलब घरों में यूज होता है, तो उस पर बेसिक रूल बना दिया जिससे सब लोग पहचान सके। एनीवे, फर्क समझ पाए होंगे, पोलर एक्सियल वेक्टर दो डिफरेंट कहानी है। पोलर वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक्सियल वेक्टर रोटेटरी इफेक्ट देगा, एक्सिस पे लगेगा, है ना। अगली बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता, होता भी है और हर दिशा में भी होता है, पता नहीं कौन सी दिशा में चला जाए, एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर्स। ये क्या है? टेंसर्स। तो टेंसर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो वैक्टर नहीं है, स्केलर भी नहीं है, एक अलग श्रेणी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू, सभी डायरेक्शन अलग अलग। तो जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रेशर, तो प्रेशर की भी हमें बात करनी पड़ती, किस प्रेशर को ले रहे, उसकी चारों दिशाओं में प्रेशर हो सकता है, वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती हैं। तो उस सिचुएशंस में हम उन क्वांटिटीज का अलग श्रेणी बना देते हैं, उसको बोलते हैं टेंसर्स। समझ में आ रही बात? वैक्टर का एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, इन क्वांटिटीज का एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कहानी, ठीक। तो डायरेक्शन लेस तो नहीं कह सकते इनको कि स्केलर बोल दें, और हम वेक्टर भी नहीं कह सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो एक तीसरी श्रेणी बनानी पड़ेगी कि तुम भी आओ भाई इसमें, टेंसर्स। तो ये दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग के बीच में चर्चा का विषय रहता है, ये पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे रहते हैं उनके बीच में। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कुछ वैक्टर्स बड़े ही सरल आप जानते हैं, इक्वल वैक्टर्स। इक्वल वैक्टर्स कौन से वैक्टर्स होते हैं? वो वैक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो। तो इक्वल वैक्टर्स को आप, मैं थोड़ा इधर क्लीन करके बताता जाता हूँ, इक्वल वेक्टर किसे कह सकते हैं? दो कोई वेक्टर हो, जैसे ये ए बी मान लो, इसी के बराबर एक और वेक्टर बना लो इधर इसी डायरेक्शन में, ये पैरेलल वेक्टर है तो भी इनका डायरेक्शन एक ही माना जाता है। अभी आप पढ़ेंगे फ्री वेक्टर्स जिसे बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं नॉर्मली अधिकतर, उसमें हम वेक्टर को मूव कर सकते हैं, बस शर्त क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ना बदले और मूवमेंट पैरेलल हो, उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। जैसे ये वेक्टर है ए बी, तो आप खिसका के इसको यहाँ भी ला सकते हैं, हमने इसका डायरेक्शन नहीं बदला, टेढ़ा नहीं किया है और ना मैग्नीट्यूड बदला है, वी कैन डू दैट, हम इसको स्टडी कर लेंगे इस तरीके से। क्या कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते? तो होते हैं, ठीक, जैसे पोजिशन वैक्टर, जहाँ पोजिशन शुरू की वहीं लगाना पड़ेगा, पीछे वो भागी कहीं नहीं कहीं, है ना।
और आगे स्टडी करेंगे, लेकिन हमारी ज़्यादातर स्टडी जो होती है कोर्स में है, जो जेई तक जाती हैं, उसमें आप पढ़ेंगे जिनका मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। समझ पाए क्या बोला हमने? वेक्टर्स को बिना रोटेशन के कहीं मूव कर लीजिए पैरेलली, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। इक्वल वेक्टर, दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ए बी और ये सी डी लगा दो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन बराबर, दोनों बराबर हो गए। इसको लिखने का अब तरीका हम कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है तो दोनों वेक्टर आपस में बराबर हो जाएंगे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं। ठीक है, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर ए बी है इसका उल्टा ऐसे बना दो, एम एन लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन उल्टा है, तो लिख देंगे अगर ये ए वेक्टर था ये एम वेक्टर है सपोज, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर, कौन सी बताने वाली बात है इसमें, समझ गए फट से, इसमें क्या रखा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर, अपोजिट मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, तिरछा ना बना देना इसे, ठीक है ना, अपोजिट मतलब अपोजिट। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, देखिए जो वेक्टर है ए इसके मैग्नीट्यूड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉडुलस से कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड की चर्चा चल रही है, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर से दिखाते हैं। हमने एक बार आपको बताया भी था कि नॉर्मली कभी कभी इसको हम लोग ए से भी लिख देते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि असल में ये वेक्टर है कि नकल में वेक्टर है, ये पता नहीं चलता, और जब इसकी जगह ये लिखते हैं तो हमें मालूम है कि असली क्वांटिटी वेक्टर है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन लिखने का प्रचलन ऐसे भी है, समझ पा रहे होंगे। अगला मॉडुलस ऑफ वेक्टर सब समझ गए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, हैं जी, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मॉडुलस से डिवाइड मार देते हैं, मान लीजिए कोई ये है जैसे, इसको ए बी लिख देते हैं और ए वेक्टर बोलते हैं, तो जब हम ए वेक्टर को इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो इसकी यूनिट तो वन हो जाएगी, है ना, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और दिखाते हैं ए कैप से, इस तरह का एरो बनाते हैं, बोलते हैं ए कैप, और भी शब्द हैं, ए कैप ज़्यादातर प्रचलन में है, और ये यूनिट वेक्टर होता है। ये यूनिट वेक्टर किस काम में आता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम में आता है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वन है इसका, इस यूनिट वेक्टर की इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन भी नहीं होती, नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि वो डिवाइड करते ही उड़ा दिए हो सब उसको, ठीक, ये याद रखना हर जगह इस्तेमाल होगा, ए कैप यूनिट वेक्टर। और समझना चाहो तो जैसे एक्स वाई जेड हम लोग पढ़ते हैं, आगे भी चर्चा होगी, मान लो ये एक्स है वाई है जेड है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है यूनिट उसको बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन जो होता है उसे बोलते हैं के कैप, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आई कैप का मतलब है एक्स डायरेक्शन में बढ़ना यूनिट वेक्टर, है ना बेटा, हो गई चर्चा है इसकी भी। फिक्स्ड वेक्टर्स, फिक्स्ड वेक्टर्स की हमने बात की थी, जिसका पीछे वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, जैसे पोजिशन वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर में पीछे वाला पॉइंट फिक्स्ड है, कहाँ ले जाओगे आप। फ्री वेक्टर्स, बाकी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, जो कहीं भी लेते जाओ आप। कोलिनियर वेक्टर, अच्छा कोलिनियर वेक्टर में ध्यान क्या रखिएगा, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं अभी तक उसमें कोलिनियर और वेक्टर में, कोलिनियर में थोड़ा फर्क है, हम लोग जो पढ़े हैं टेंथ क्लास तक उसमें कोलिनियर का मतलब हमने सीखा है कि तीन पॉइंट जब एक लाइन में होते हैं तो बोलते हैं कोलिनियर, बात भी सही है, इसे कोलिनियर बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं ना, तो एक वेक्टर अगर ए भी है और यही वेक्टर इसी की डायरेक्शन में अगर ऐसे बना दें बी सी डी, ठीक, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, अरे मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो ये होगा इक्वल वेक्टर, अरे मैग्नीट्यूड अलग है तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर, इसे बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और अगर इसी की विपरीत दिशा में कोई वेक्टर इतना बड़ा, इसी की विपरीत टेढ़ा बन गया, सीधा कर लेना, तो इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बट दे आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर को ऐसा समझ के ना चलना वेक्टर्स में कि ए बी के बाद सी डी इधर मिलेगा, ऐसा लगता है ना टेंथ की पढ़ाई में कि ए बी सी डी लाइन में होना चाहिए, इसमें ये जरूरी नहीं है। जब कोलिनियर वेक्टर्स बोले जाएंगे तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा, सेम होगा तो पैरेलल वेक्टर्स और अपोजिट है तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन हैं दोनों कोलिनियर वेक्टर्स। सावधानी क्या रखनी है, तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे जरूरी नहीं है, यहाँ क्लियर कर पाएंगे हम, हाँ
पैरेलल होना जरूरी है, अगर पैरेलल नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है कोई जो वेक्टर्स एक प्लेन में पाए जा रहे हैं, जैसे इस बोर्ड में हम लिख रहे हैं ये वेक्टर इस बोर्ड में, इस ये वेक्टर एक बोर्ड में, और तीसरा हमने ऐसे पेन बना दिया तो पेन वाला इसके प्लेन में नहीं है, बाकी दो लेटे वाले इसके प्लेन में, तो वो दोनों को प्लेन है, ये प्लेन में नहीं है। समझ पाए होंगे। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी शुरुआत एक जगह से हो, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, हमने ये पकड़ा कार्तिक को, तीन लोगों ने खींचना शुरू किया, आई लव कार्तिक, एक इधर और पीछे से वो खींच रहा है राजीव, तीसरे से वो तनु खींच रही, मतलब कोई भी खींच रहा है, अरे कोई भी खींच रहा है, कोई भी खींच रहा है, वो खींच रहा है अपना शशांक, कोई भी खींच रहा है, तो वो खींच रहा है पीछे से, तीन लोग खींच रहे हैं, तो तीन लोग अगर खींच रहे हैं तो क्या कौन सा वेक्टर बन गया यहाँ पर? कोलिनियर, कोलिनियर नहीं, हाँ कोइनिशियल वेक्टर्स। थोड़ा बहुत नाम निकलता रहता है मजाक करने में, बुरा ना मानिएगा। तो को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक। उसके बाद आता है को टर्मिनस वेक्टर, ये वेक्टर की कहानी है, एक ही पॉइंट पे तीनों का एंडिंग मिल जाए, खेल खत्म, उसमें क्या रखा है ये को टर्मिनस वेक्टर, क्या है, बिल्कुल बहुत आसान, समय वेस्ट करना इस पर ज़्यादा चर्चा करना, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो जीरो वेक्टर है ना, इसको जीरो लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लिखते हैं, तो जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन तो रहा नहीं, खुद ही शून्य है, फिर भी क्यों बना रहे हैं जीरो वेक्टर? सवाल उठ जाता है ना, कि जब उसका कोई कुछ है ही नहीं, मामला ही नहीं है, तो जीरो लिख देते। तो इसलिए जीरो बनाते हैं क्योंकि मान लीजिए एक वेक्टर ए है और इसमें हमने वही ए वेक्टर घटा दिया, तो इसी फैमिली से तो निकलेगा वो, तो जीरो नहीं लिख सकते, इसको जीरो वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कहानी हुई तो तीसरा वेक्टर उसी सिस्टम में है ना, तो ये जीरो वेक्टर निकल के आया यहाँ पर, इसको जीरो नहीं बोलेंगे आप, जीरो नहीं है ये, नल वेक्टर है जीरो वेक्टर। क्या ऐसा फिजिकल मीनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल ओरिजिन पर है तो कौन सा वेक्टर, पोजीशन क्या है? नल वेक्टर है कि नहीं? खेल खत्म हो गया। तो ऐसी फिजिकल मीनिंग का इंटरप्रिटेशन भी बनता है और मीनिंग भी होती है, तो जीरो वेक्टर की आवश्यकता है, इसलिए नल वेक्टर के नाम से इसको पहचानते हैं, जीरो वेक्टर लिखते हैं, बाकी है वो कहानी जीरो की। समझ गए होंगे।